एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। सो आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 1 लेसन 3 का पार्ट 3। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग है हमारे लेसन का नेम। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। हमारा आज का टॉपिक है बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। जितनी हमारी इनकम है, हम अगर उससे ज्यादा स्पेंड करने लग गए तो वो चीज रिजल्ट बनके हमारे सामने आती है बजट डेफिसिट, और यही चीज साइन होती है हमारे नेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कि किस तरह से हम अपने इनकम या फाइनेंस को मैनेज करके रखते हैं। बजट डेफिसिट का एक टिपिकल सॉल्यूशन है कि हम जो स्पेंडिंग है उसको रिडक्ट करें, स्पेंडिंग में रिडक्शन लेकर आए और अपने इनकम को इंक्रीज करें। इस तरह से हमारी बजट डेफिसिट कम हो सकती है। और बजट डेफिसिट को मिनिमाइज करने का एक और सॉल्यूशन है कटिंग एक्सपेंसेस, कि हम एक्सपेंसेस थोड़ा कट करके रखें कि अगर हमें इस चीज की जरूरत नहीं तो हम वो ना खरीदें, है ना। पता है जो 20th सेंचुरी है ना, उसने सबसे ज्यादा बिगेस्ट बजट डेफिसिट को फेस किया और रिकॉर्ड भी हुआ है, क्योंकि ज्यादा नेशंस में ना इस टाइम पे जितना वो अर्न नहीं करते उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये तो रीजन सबसे बड़ा है ना। बैलेंस करके रख सकते हैं जब बजट हमारे कैश का, इनकम का इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे हम बजट डेफिसिट के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जब एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे इतने तो एक्सपेंसेस से ज्यादा हो नहीं है, तब होता है बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट का बिल्कुल अपोजिट है बजट सरप्लस। और बजट सरप्लस तब होता है जब हमारे इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो, है ना। तो भाई खर्चा कम करो, क्या सोचते हो हमारा, की बजट डेफिसिट इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है या गवर्नमेंट में भी हो सकती है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिविजुअल्स और बिजनेस से ज्यादा ही स्पेंड करते हैं, पता है। गवर्नमेंट की वजह से तो बजट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट सब्सिडीज से कुछ बिजनेसेस इंक्रीज हो रही है। सब्सिडीज एक फाइनेंशियल असिस्टेंट का फॉर्म होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेस को या फिर किसी इंडिविजुअल को अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए या ग्रोथ के लिए। एक बजट डेफिसिट और डेंजरस हो सकता है हमारे नेशन के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए भी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेथड्स को डेवलप करे हैं बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं देखते हैं हम। बजट डेफिसिट से इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या फिर कोई जनरल कंपनी होती है, ये सब लोग इम्पेक्टेड है। हाई इनकम वालों के लिए या फिर बिग बिजनेसेस में टैक्स इंक्रीज इम्प्लीमेंट करने से रेवेन्यू बूस्ट हो सकता है, जो कि लिमिट करेगा उनकी कैपेसिटी को न्यू इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट करने की या फिर न्यू स्टाफ रिक्रूट करने की, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो उनके पैसे तो जाएंगे ना, तो वो नहीं कर पाएंगे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर न्यू स्टाफ हायर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। फिर है हमारा 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। पहला है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ऑफर करता है बिल्कुल थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बजट इम्बैलेंस। हम बजट इम्बैलेंस के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं फिस्कल डेफिसिट में। ये यूज होती है बजट को एनालिस्ट करने की एक टूल के रूप में और एक्सप्लेन करती है बजटरी डेवलपमेंट्स को। इंडिया में बजट डेफिसिट डिस्क्राइब करती है डिफरेंस को टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच में। अब यहाँ पे है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला है हमारा डेब्ट ट्रैप। इसमें होता ये है कि गवर्नमेंट बोरो कर लेती है, फिर वो उसको वापस चुका नहीं पाती, तो उसके लिए वो और ज्यादा बाद में बोरो करती रहती है और वो पैसे तो चुका नहीं पा रही, है ना। तो इस वजह से डेब्ट ट्रैप होता है और यही चीज प्रोड्यूस करती है फिस्कल इम्बैलेंस और रेवेन्यू डेफिसिट को, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। फिर है हमारा फॉरेन डिपेंडेंस। गवर्नमेंट मेरा अदर नेशन से लोन लेती रहती है और इंक्रीज करती है रिलायंस फॉरेन नेशंस में। फिर है हमारा हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। इसमें है कि जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है बार बार मनी बोरो करने से, जो कि रेज करती है
मतलब हमारे सब्सिक्वेंट जनरेशन के लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है ना, तो ये चीज एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे कंट्री पे और इसके ग्रोथ के लिए। फिर है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट, आइए हम देखते हैं। इसमें है हमारा फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए यहाँ पे दो प्राइमरी सोर्सेस दिए गए हैं। पहला है बोरोइंग। इसमें है कि फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए इंटरनल यानी कि पब्लिक कॉमर्शियल बैंक इससे लोन लेने की जगह या बोरो करने की जगह हमें एक्सटर्नल सोर्स से बोरो करना चाहिए, जिसमें आ जाते हैं हमारे फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग न्यू मनी। देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो आरबीआई से मनी बोरो कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है। फिर आरबीआई न्यू मनीज को क्रिएट करती है यूज के लिए, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि गवर्नमेंट मनी बोरो करती है आरबीआई से और आरबीआई न्यू मनी प्रिंट करती है या क्रिएट करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का जो डिस्पेरिटी होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है ये, और ये शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अनेबल है कवर करने में ऑनगोइंग रिकरिंग एक्सपेंसेस, है ना। फिर अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इसके भी। इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि जो प्रपोज्ड बजट है वो गवर्नमेंट के रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करता। फिर इसका सेकंड पॉइंट है, ये सजेस्ट करता है हमारा सेकंड पॉइंट कि जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूम कर रही है जो भी सेविंग है इकोनॉमिक सेक्टर्स में, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसके पेमेंट के लिए जितने भी मनी आते हैं उसको हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंज्यूम। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि इम्प्लाई करता है कि हमारे गवर्नमेंट को ऑफसेट कर देना चाहिए जो भी इम्बेलेंस हो रहा है बजट का थ्रू कैपिटल इनफ्लो, डिस इन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग के जरिए। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, जब भी हम किसी एक्सपेंसेस के पे के लिए कैपिटल रिसिप्ट यूज करते हैं तो वो चीज रिजल्ट करती है हमारी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फिर इसके वजह से जो भी हाई बोरोइंग की वजह से हमारा फ्यूचर लोड और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि भाई क्या होगा आगे जाकर, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हमारा एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू डेफिसिट एक रेड फ्लैग है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा अनेबल है स्पेंडिंग रिड्यूस करने में और रेवेन्यू बूस्ट करने में, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फंड डेवलपमेंट को इनिशिएटिव करने के लिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हमारे इंडियन बजट है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट तो चलता आ रहा है, क्या होगा फिर। फिर इसके बाद है हमारा सूटेबल मेजर्स। पहला पॉइंट है इसमें कि हमारे गवर्नमेंट को रेस करना चाहिए टैक्स या फिर नॉन टैक्स अर्निंग्स या फिर रिड्यूस कर देना चाहिए एक्सपेंसेस को रेवेन्यू गैप को बंद करने के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा कुछ करेक्टिव एक्शन लिए जाने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है जो वेस्टफुल या इन इफेक्टिव स्पेंडिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए, है ना। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज होना चाहिए जो कि रिड्यूस करेगा डेफिसिट को। फिर हमारा है न्यू टैक्सेस इम्पोज होने चाहिए कुछ एरियाज में जैसे कि इम्पोर्ट या कस्टमर्स हाईवे या फिर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ होल्डिंग्स को सेल कर लेना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए फिस्कल डेफिसिट को हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। हमारी गवर्नमेंट यूज करती है प्राइमरी डेफिसिट को डिटरमाइन करने के लिए कि उनको कितनी मनी बोरो करनी चाहिए, कितनी बोरोइंग नेसेसरी है कवर करने के लिए जो भी कॉस्ट है वो चीज, लेकिन इसमें जो लोन है या इंटरेस्ट पेमेंट है वो चीज इंक्लूड नहीं होती। देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस भी कर रखा है, जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है वो है हमारा इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस लोन इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में तो लोन इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है ना, लेकिन इसमें नहीं, प्राइमरी डेफिसिट में नहीं होता। फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इसका पहला पॉइंट है कि ये शो करता है गवर्नमेंट के बोरोइंग का एक ऐसा पोर्शन जो कि यूज होती है हमारे एक्सपेंसेस के लिए। फिर इसका सेकंड पॉइंट है जो प्राइमरी डेफिसिट होती है फिस्कल डेफिसिट होती है उन दोनों का बीच में जो गैप होता है वो शो करता है हमारे जो भी बोरोइंग्स या इंटरेस्ट पेमेंट है वो ऑलरेडी कितनी हो चुके हैं हमारी।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स फॉर मीटिंग द डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका पहला पॉइंट है, जब गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इनकम होती है कम होती है टोटल एक्सपेंडिचर से, वो रिजल्ट करती है हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग को। फिर इसका सेकंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट चूज कर सकती है पब्लिक से मनी बोरो करना बाय उनको इश्यू करवा के सिक्योरिटीज, फिर या फिर आरबीआई से ऑर्डर कर सकती है न्यू फ्रेश करेंसी नोट्स, या फिर विड्रॉ कर सकती है फंड से जो भी उनके कैश बैलेंस डिपॉजिट हुए हैं आरबीआई में। फिर इसका थर्ड पॉइंट है, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो यूज होते हैं लोन्स को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक, या फिर कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट से भी डेफिसिट को कवर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका पहला पॉइंट है कि जब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज ना हो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करने की, तो वहां पे डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज किया जाता है फिस्कल डेफिसिट गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर इसका सेकंड पॉइंट है, जब हम किसी यूजलेस या फिर नॉन डेवलपमेंटल एरियाज में हायर स्पेंड करते हैं तो उसकी वजह से डेफिसिट फाइनेंस कॉज होती है या इंक्रीज होती है या जो भी होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहाँ पे कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिनका यूज करके गवर्नमेंट डेब्ट को फाइनेंस कर सकते हैं। पहला है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो इसमें ये है कि जो मनी आरबीआई में मेंटेन्ड है उसको विड्रॉ करने से अच्छा गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से मनी बोरो करना चाहिए, और इससे जो मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है मनी की उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट मनी बोरो करती है तो जो ओनरशिप होती है मनी की वो भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैश विड्रॉल्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अकाउंट्स। इसमें है कि जो भी मनी हम आरबीआई से निकालते हैं तो वो मनी सीधे हमारे इकोनॉमी में जो मनी की अवेलेबिलिटी है उसके अमाउंट को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, जो कि रेज करती है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका पहला पॉइंट है कि ये रेज करता है हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स को, फिर उसके बाद जो रिस्क होता है इन्फ्लेशन में उसको भी इंक्रीज करता है। फिर इसके बाद है कि जो इन्फ्लेशन है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से ही होता है। फिर इसके बाद है ये हेल्प करता है नेशंस को सेटिस्फाई करने में उनकी जितनी भी लिक्विडिटी नीड्स हैं। फिर हमारा एडवांटेजेस ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग। इसका पहला पॉइंट है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करती है उनके सरप्लस फंड्स को। फिर इसका सेकंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट मनी बोरो करती है आरबीआई से मनी जनरेट करने के लिए, और उससे लिंक्ड जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं वो भी गवर्नमेंट को वापस मिल जाता है। ये इन्फ्लेशन का रीजन बन सकता है, जो कि कुछ सिचुएशंस में एडवांटेजेस हो सकता है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट को इनकरेज करते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड है और अनएम्प्लॉयड है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, तो उनको यूज करें, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकती है, तो ये अच्छी बात है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका हमारा पहला पॉइंट है कि जो स्टेबल इनकम वाले लोग होते हैं उनके पास ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं, फिर जो कि रिजल्ट कर सकता है इनकम इन इक्वालिटी को। इसका सेकंड पॉइंट है कि जो भी पूरे इन्वेस्टमेंट सिस्टम होते हैं वो डिस्टर्बड हो जाती है, क्योंकि जितने भी ज्यादा कैपिटल्स होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं उन सेक्टर्स के लिए जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पोटेंशियल रखते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता, तो और उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है, जितने भी पुअर कंट्रीज होती है वहां पे जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है जिसकी वजह से चांसेस कम हो जाते हैं जॉब के। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस। इसमें है कि हमें बस ये बहुत सिंपल है बिलीव करने के लिए कि क्या चाहिए हमें, बस पूरे हर महीने छोटे छोटे डिपॉजिट हम अपने बैंक अकाउंट में करते रहे अपनी सेविंग के रूप में, है ना। तो यहाँ पे कुछ सेविंग्स के कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। इसमें है कि हम कुछ रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर मंथली, और जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसका हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न भी करते हैं, और ये अलाउ करता है कि हम कुछ छोटे छोटे पैसे के डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम 500 तक डिपॉजिट कर सकते हैं, 500 आप हर महीने करेंगे ना तो बहुत सेविंग होगी, बता रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे हमारा सेकेंड है फॉर पीपल ओवर 16, जितने भी 16 से ज्यादा के लोग होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन, उनका सेविंग्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है एक स्टडी इनकम और हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी के साथ और टैक्स सेविंग में बचाते हैं, ठीक है। फिर हमारा है फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक। इसमें है कि जो भी हमारी मंथली सेविंग होती है उसको हम बिल्कुल सेफली पार्क कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में,
इसके बाद एफडी एक टर्म डिपॉजिट हो सकता है, जिस इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, फिर एफडी करवा लेते हैं, फिर बाद में हम रिसीव करते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन सेविंग अकाउंट। फिर जो हमारा अर्लीस्ट स्मॉल सेविंग टूल है जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है, वो है हमारा किसान विकास पत्र, जो कि री इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में कुछ चेंजेस के साथ। और जो भी हम प्रिंसिपल में अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं केवीपी यानी किसान विकास पत्र में, 8.7 ईयर्स में वो डबल हो सकते हैं। सुना है ना, पैसे डबल। फिर हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड लिक्विड फंड्स, उसमें है कि जो भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है उसको हम लिक्विड फंड बोलते हैं, और इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्जली डेट सिक्योरिटीज में विद अप टू 91 डेज ऑफ मैच्योरिटी डेट। इसके मैच्योरिटी डेट होते हैं 91 डेज तक की। फिर हमारा नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। ये जो सेविंग अकाउंट होती है वो ट्राइड एंड ट्रू मेथड है जो भी हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, और एज वेल एज जो भी इमरजेंसीज के लिए कैश होता है उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं कभी, है ना। तो ये अच्छा है, लेकिन हम सेविंग अकाउंट में ज्यादा सरप्लस हम डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन होता है खत्म, फिर मिलते हैं हम अगले लेसन में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये जो वीडियोस है वो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम तो आ रहे हैं ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।